क्या करते हैं, उसी को डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया, न्यू इनरोलमेंट में डाला, अपडेट भेज दिया हमारे पास। हमारे पास वो बस एक कैटेगरी आता है, फोटो और एक POI। POI में क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन। बहुत केसेस आ रहे हैं अभी, बहुत। अब मैं इसको क्या समझू, इंटेंशनल है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है, या आप जानबूझ के कर रहे हो? तो ये एक कॉमन सिनेरियोज थे, और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको शेयर किया है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो हम उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। डेटा होल्ड नहीं होता है, डेटा MDD में होल्ड होता है। MDD में टोटल चार प्रोसेस है, आप सुनो, MDD में टोटल चार बैच के प्रोसेस चलते हैं, ठीक है। उस चार बैच के प्रोसेस में चार ऑटोमेटिक है और चार मैनुअल है। अगर किसी जगह पे वो सस्पिशियस लगा सिस्टम को, लेकिन जो मैनुअली जो चेक कर रहा है उसको लगा कि नहीं ये पास हो जाना चाहिए, उस केस में वो दो तीन साइकिल घूमता है, तो वहां पे आपके पास वो जो चेक करोगे तो दिखेगा डेटा होल्ड पे। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल टाइम वो रिप्रोसेस हो रहा है। एक वन बाय वन कोई माइक देंगे प्लीज, एक मिनट, वन बाय वन, वी विल गो वन बाय वन। आप पहले हाथ उठाइए, उसके बाद माइक लीजिए, उसके बाद बोलिए, मेरे पास आवाज नहीं आ रही यहाँ पे। हेलो, हाँ बताइए सर। प्लीज मेंटेन साइलेंस फर्स्ट सर। जब एनरोलमेंट करते हैं सर, मैं इधर एनरोलमेंट करते हैं, एक बंदे की मशीन है, उसमें वो बंदा एनरोलमेंट करता है, उसमें एनरोलमेंट लिखा हुआ आ रहा है, एनरोलमेंट गॉट रिजेक्टेड ड्यू टू टेक्निकल रीजन। जब एनरोलमेंट स्लिप को अपन पोर्टल से चेक करते हैं तो वहां लिखा हुआ आ रहा है मिसमैच रिलेशनशिप। एग्री, होता है। पर क्यों होता है जी, आपको नहीं पता क्यों होता है? नहीं, किसी को पता है रिलेशनशिप मिसमैच क्यों होता है? बता दिया आंसर। नहीं सर, उस बंदे का पर्टिकुलरली 16 सिलेप सेम कंडीशन में रिजेक्ट हुआ है, और आज तक 16 एनरोलमेंट ही किए उसने, सारे रिजेक्ट हो रहे। वो HO बेस्ड एनरोलमेंट है? नहीं, मोबाइल नंबर अपडेट हो रहा है सर। मोबाइल नंबर अपडेट है? ओनली मोबाइल नंबर अपडेट सर। एक मिनट, मेंटेन साइलेंस। देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं क्वेश्चन आंसर करूं, और नहीं तो आप बोल लो मैं जाता हूं। मेरे पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन, अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो जैसे सिस्टम चल रहा हो चलता ही रहेगा, कुछ भी कर लो आप सुधार नहीं सकते। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन वन बाय वन कीजिए, उसको एड्रेस करेंगे तो शायद जिसको नहीं पता उसको भी समझ में आएगा कि वो ऐसा प्रॉब्लम है, शायद मेरे लिए भी वो न्यू लर्निंग कर्व हो। एक साथ क्वेश्चन पूछोगे तो ना मुझे समझ में आएगा ना मैं किसी का आंसर दे सकता हूं। हाँ, आप बोल रहे थे कि HOA बेस्ड इनरोलमेंट नहीं है, बट वो मोबाइल नंबर अपडेट में बार बार इनकरेक्ट रिलेशनशिप में रिजेक्ट हो रहा है। जी सर, ठीक है, ये रिएक्शन कोड गलत पिक कर रहा है, वो रिएक्शन कोड नहीं होगा, वो गलत सेडा से पिक हो रहा है। या EID कुछ सैंपल आप निकाल के भेज देना रीजनल ऑफिस को, वो एनालिसिस करके आपको वापस बता। सर मैंने टेक सपोर्ट पे मेल किया था। टेक सपोर्ट नहीं, आप रीजनल ऑफिस अप्रोच कीजिए, रीजनल ऑफिस को बोलिए कि ये कुछ सैंपल EIDs है 5-6 जो कि इस एरर कैटेगरी में रिजेक्ट हो रहे हैं, जो कि सिर्फ मोबाइल अपडेट है। सर उस पर्टिकुलर उस ऑपरेटर का ही हो रहा है। एग्जैक्टली, यही मैं बोल रहा हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर एक सिनेरियोज में हो रहा है ना, तो उस सिनेरियोज का एक एनालिसिस करना पड़ेगा जो आपको रीजनल ऑफिस जो कि आपको उसका हेल्प करेगी। रीजनल ऑफिस के पास आप अपना एक इसमें आप रिटर्न में दे दो, हम एक बार रीजनल ऑफिस से बात करके आप इस पे रिवर्ट करें। थैंक यू सर, लिख लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक दीजिए उनको, एक मिनट। हेलो, प्लीज मेंटेन साइलेंस। नमस्ते सर, मैं नागपुर महाराष्ट्र। मेंटेन साइलेंस प्लीज। सुनो आराम से, अगर क्वेश्चन आंसर होना है तो सब लोग शांति से बैठेंगे, जो बोलेगा वो बोलेगा। एक आदमी है, हाथ उठा दो, देख लेता है, एक एक करके पहुंचेंगे। 500 में सबको मौका नहीं मिलेगा।
दो चार दस सवाल जरूर ले लिए जाएंगे, जिसका ज्यादा रिलेवेंट है वो अच्छा है, बट किसी सवाल पे सबको हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं। सुनो इसीलिए है क्योंकि सीखने के लिए और समझने के लिए बुलाया गया है। जो तुम्हारे इश्यूज हैं वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो यहाँ सॉल्यूशन नहीं होगा वो सॉल्यूशन हम नोट करवा कर करके बैक इनसे बात कर लेंगे, बट एक एक कर करके बोलो, सब बोलोगे तो कुछ भी नहीं होगा। जी हाँ बताइए। सर ये कह रहा सर मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ, मेरा क्वेश्चन एड्रेस चेंज से रिलेटेड है। एड्रेस चेंज में पहले सन ऑफ, डॉटर ऑफ, केयर ऑफ, इस तरह के तीन ऑप्शन आते थे, आजकल सिर्फ केयर ऑफ का ऑप्शन आता है। बिल्कुल, क्योंकि तो हमने हमने वो ऑप्शन हटा दिया है ECMP से ही, क्योंकि अब जो डॉटर ऑफ, जो केयर ऑफ सेक्शन है उसको हम उसी में एक ही में इंक्लूड कर रहे हैं। अगर से अगर आप लिखोगे डॉटर ऑफ समथिंग तो वो आप आधार को ना एज ए PO और डॉक्यूमेंट आप इस्टेब्लिश कर देते हो, तो वो हमारे लिए कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे कि बोला जाता है कि ये आधार है, इसमें मेरे फादर का नाम है लिखा है, डॉटर ऑफ, सन ऑफ, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये जब प्रॉपर्टीज के जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना वहाँ पे बहुत वाइटल रोल होता है, इसीलिए हमने उसको स्टैंडर्डाइज करके केयर ऑफ सेक्शन कर दिया है। दैट विल नॉट सिग्निफाई कि वो डॉटर ऑफ है, सन ऑफ है या क्या है, जस्ट केयर ऑफ, सबके लिए सिंपल एक रूल। जी सर दिक्कत इसमें होता है ना, महाराष्ट्र में क्या होता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम होता है, तो उसमें दिक्कत नहीं होती। कुछ लोग MP साइड से आते हैं, उसका नाम होता है अशोक कुमार और पिता का नाम होता है मुकेश कुमार, तो वो लोग साथ में नहीं लिखते, वो नाम में फर्स्ट नेम में ही लिखते हैं अशोक कुमार और फिर नीचे में सन ऑफ का ऑप्शन होता था तो वहाँ मुकेश कुमार, फिर एड्रेस स्टार्ट होता था। तो अभी साथ में लिखने के लिए उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता, उसके पास सिर्फ मुकेश कुमार का ही डॉक्यूमेंट रहेगा, पापा का नाम साथ में ऐड नहीं रहता उसके डॉक्यूमेंट में। नहीं नहीं, तो आप केयर ऑफ सेक्शन में ही उसको डाल दीजिए ना, मेरे पास तो रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट आ गया ना उसका। जी जी, उनको क्यों चाहिए कि वो सन ऑफ ही लिखवाएं अपने आधार पे? तो क्योंकि वो नाम के साथ ऐड नहीं होता ना उनके पापा का नाम, वो साथ में सिर्फ फर्स्ट नेम और कुमार ऐड करवाते हैं बस। एग्जैक्टली वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो आप जो रेसिडेंट के इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, आप आधार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि अगर मैंने ये लीनियंसी दी तो कल को कोई भी जो नेम अपडेट होता है वो नेम अपडेट भी कोई एक ID प्रूफ दिखा के वो कर लेगा। जो एक पैन कार्ड दिखाएगा वो बोलेगा कि ऊपर मेरा नेम है, नीचे फादर नेम है, आप उसको पिक कर लो जी। मैं क्यों पिक करूं उस चीज को? इसीलिए हमने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि नहीं, केयर ऑफ सेक्शन ही रहेगा। आप जो एनरोलमेंट स्लिप में आप डालोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डॉक्यूमेंट होगा वहां पे अगर उनका नाम होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं होगा तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे जी। और सर एड्रेस रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल हम ऐड कर रहे हैं प्रूफ ऑफ रेसिडेंट में, सुनो बाकी लोगों को भी समय दो सर, सेम एड्रेस से रिलेटेड पूछ रहा हूँ। ठीक है, दूसरे लोग भी पूछ लेंगे सर। सर एक एरर आ रही है, हम अपडेट किया आधार कार्ड, बोल रहे हैं जी सर। हाँ सर, आधार कार्ड अपडेट किया, चार दिन बाद साइट पे स्टेटस चेक किया, आधार ही सक्सेसफुली अपडेटेड जनरेटेड, लेकिन डेटा उसका डाउनलोड कर रहे हैं तो पुराना ही डेटा उसका शो कर रहा है। बिल्कुल हो सकता है आधार अपडेट होने के बाद, सी जो मैंने FMS तक आपको फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम तक समझाया था, उसके बाद एक प्रोसेस होता है UID पिकर। UID पिकर में क्या होता है कि अगर न्यू इनरोलमेंट है तो एक 12 नंबर का रैंडम जो डिजिट है वो पिक करके उसके साथ एसोसिएट होगा, या फिर अगर अपडेट है तो उस नंबर के साथ उसको लिंक करके आधार जनरेट किया जाता है, जो कि बाद में XML फाइल जनरेट होता है। आधार आपका अपडेट हो गया है लेकिन जब तक XML फाइल जनरेट नहीं होगा तब तक आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। XML फाइल इज बेसिकली जो आपका लुक एंड फील होता है ना, जो आप डाउनलोड करते हैं उसको XML फाइल बोलते हैं, तो वो जब होगा तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक मिनट, कहाँ से? हाँ बताइए, वो कुछ बोलना चाह रहा था। हाँ बताओ। हाँ इधर जी सर, थैंक यू। हाँ बताइए। सर मैं ये बोलना चाह रहा था, जैसे इन्होंने बोला कि महाराष्ट्र में वो सरनेम की प्रॉब्लम आ रही है उनको, यही प्रॉब्लम हमारे साथ भी आई है कि जो बाय डिफॉल्ट हमारे उसमें क्लाइंट में है उसमें सिर्फ केयर ऑफ आता है, उसमें हम कुछ नहीं टाइप कर सकते सन ऑफ वगैरह, जैसे हम उसमें स्लैश टाइप करते हैं उसको नहीं लेता है वो, लेकिन यही अगर हम ऑनलाइन करता है कोई तो उसमें वो ले लेता है। लोग हमारे पास आते हैं कि हमने उनको रिफ्यूज़ किया, हमने उनको बेवकूफ़ बनाया, लेकिन उन्होंने खुद किया या किसी और से ऑनलाइन करवाया उन्होंने तो वो उनका बन के भी आ गया। ठीक है, वैलिड पॉइंट नोटेड, हम देखेंगे इस पे, वैलिड पॉइंट है। हमारे टीम से कोई इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि ECMP क्लाइंट में ऑप्शन नहीं आ रहा है, SSUP में ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन बाय वन। नहीं क्यों होगा चेंज?
यार सुनो 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 सुनो, पहली बात ये आर्गुमेंट और डिबेट की जगह नहीं है। अथॉरिटी ने डिसाइड किया है कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के सर्टिफिकेट के आधार पर नाम का चेंज नहीं होगा, तो अगर उसको चेंज करना है तो वो अप्लीकेशन लगाए, वो अलग से प्रोसेस से वो देखेंगे। यहाँ पे हेड ऑफ स्पेल चेक जो भी है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को इस तरह के कोई पावर नहीं है कि वो ये सर्टिफिकेट दे सके। वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, वो स्पेल चेक करने वाला अथॉरिटी नहीं है। तो जो रूल है वो समझो और उसके हिसाब से काम करो, ठीक है। मैं आपका इसका क्वेश्चन का आंसर सिंपल देता हूँ, तो एक मिनट थोड़े दिन रुक जाइए, नया लिस्ट आ जाएगा। हाँ नहीं कर लीजिए। नहीं नहीं देखिए, आप ऐसे समझिए, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है जो प्रिंसिपल, मैं इसे प्रिंसिपल मान के चलता हूँ। प्रिंसिपल किसी भी स्टूडेंट का आइडेंटिटी चेंज करने के लिए कैसे ऑथराइज्ड है, कैसे? आप रेसिडेंट परस्पेक्टिव से मत देखो, आप ऐसे समझो कि आप आधार से रिलेटेड हो। आप ऐसे समझो कि अगर कोई प्रिंसिपल ये लिख के देता है कि रमेश कल से सुरेश है, तो हम मान लें उसको, ठीक है? ठीक है ठीक है, आई एम टेकिंग बिपिन है, VIPIN है, BIPIN मैंने कर दिया। एक मिनट, आई एम गॉट योर क्वेश्चन, माइनर करेक्शन ना, ठीक है। आपके गलती से किसी का नाम जो है विपिन था, BIPIN बन गया, लेकिन उसका ओरिजिनल नेम जो है VIPIN था, ठीक है। वो बोल रहा है कि एक स्कूल का हेड प्रिंसिपल से मैं लिखवा के लाता हूँ और उसके बाद आप मेरा नाम चेंज कर दो। स्कूल का जो हेडमास्टर या प्रिंसिपल है वो पुराने विपिन को जानता था ना ही वो नए विपिन को जानता है। इट्स ओनली कि वो एक विपिन को जानता है जो उसको स्कूल में या कॉलेज में पढ़ता है। अगर आप इस तरह के केसेस को सबको बोले कि नहीं ये पास हो जाना चाहिए, तो स्कूल में ही आप समझो कि सारे नाम जेपेडेट करवा लेंगे। गीता जो है GEETA से GITA हो जाएगी, जो क्यों? क्योंकि है प्रिंसिपल ने लिख के दे दिया है। प्रिंसिपल कैसे किसी का आइडेंटिटी प्रूफ बन सकता है? सर माय क्वेरी UCL रिलेटेड। एक मिनट हाँ बताइए। ठीक है, ऐसे पर उसके आधार में रिकॉर्ड है PRABIN। ठीक है सर, डेट ऑफ बर्थ उसकी जो भी है, एज पर स्कूल रिकॉर्ड है उसका, उसका नाम है PRAGWN। ठीक है, ठीक है सर। अब ये बताओ उसको किसके यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं सर? तो आपने पहले वो नाम पे क्यों आधार बनवाया? आपने पहले उस नाम पे आधार क्यों बनवाया? नहीं, सिंपल सॉल्यूशन है, आप RGI जाइए, बर्थ सर्टिफिकेट अपडेट करवाइए। इजी प्रोसेस है, बर्थ सर्टिफिकेट अपडेट करवाइए, हमें भी दे दीजिए, हम बर्थ सर्टिफिकेट बेसिस पे आपको तुरंत अपडेट कर देंगे। RGI जो ये गवर्नमेंट बॉडीज होती है, दे आर ऑथराइज्ड टू एक्ट एज ए POI। प्रिंसिपल हेडमास्टर नहीं ऑथराइज्ड है POI को प्रूफ करने के लिए। यार सुनो सुनो, एक मिनट, क्या लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में? हमने, हाँ ठीक है, अब आप बोल रहे हो प्रिंसिपल का, मुझे पता कैसे चलेगा को प्रिंसिपल ग्रुप ए ऑफिसर है? ग्रुप ए ऑफिसर है, मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं होता। आपके गांव में होता होगा, आप ऐसे समझो, आपको मैं बता रहा हूँ, IIT जानते हो ना आप लोग, IIT का जो प्रोफेसर होता है ना वो ग्रुप ए ऑफिसर नहीं होता। आप देखो, आप रेसिडेंट पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखो कि अगर मेरे पास ना ऐसे करोड़ों सिनेरियोज होते हैं, अगर मैं ऐसे सिनेरियोज पिक करके मैं पैकेट पास करूं ना, तो ऐसे इन नंबर ऑफ केसेस और बनेंगे। आप रेगुलर POI डॉक्यूमेंट लेके, नहीं, सी आप
आप देखिए न्यू इनरोलमेंट जो है, आप सुनो, मेरा नाम एक्स वाई जेड था, ठीक है, एक्स वाई जेड मेरा नाम आधार में बन गया, ठीक है, एक्स वाई जेड आधार में नाम बन गया, अब मुझे उसको एक्स वाई ए करवाना है, ठीक है, आप कोई भी रेगुलर पीओ या पीओआई डॉक्यूमेंट ले आइए, हम उसे अपडेट कर देंगे, लेकिन ऐसे डॉक्यूमेंट लेके मत आइए जो कि किसी का डिक्लेयर्ड होगा। अब एक सवाल इधर से ले रहे हैं, एक मिनट सर, माय क्वेरी, यू सी मेंटेन साइलेंस फर्स्ट। हाँ सर बताइए। सर मैक्सिमम टाइम ऑफ अपडेट 3-3 महीने 4-4 महीने तक होल्ड में रहता है और उसके बाद में अंडर प्रोसेस ही लिखा हुआ आता है, भले ही हमने केवल मोबाइल नंबर अपडेट किया हो। एग्री, होता है। तो कोई सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इसके लिए देखिए, ये जो है ये कोई इंटेंशनल प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या होता है ना कि जब आप कोई भी आधार को अपडेट करते हैं, आप वहां पे बताते हैं कि मोबाइल नंबर अपडेट है, लेकिन जो प्रोसेस है पूरा अपडेट होने का, वो प्रोसेस तो वो ट्रैवल करेगा, उसके बीच में कहीं पे भी उस पैकेट का स्ट्रक्चर खराब हो गया ड्यू टू टेक्निकल रीजंस, मैं मतलब टेक सेंटर में कुछ हुआ, हमने ECMP क्लाइंट वर्सन अपडेट कर दिया या फिर कुछ ऐसे अपडेट आ गए, इसकी वजह से क्या होता है कि उसका रैंडम में बीच रास्ते में उसका पैकेट का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, वो उसको बार बार रिकॉल करता रहेगा कि पुराने वाले आइडेंटिटी पे, कभी कभी पास कर जाता है, कभी कभी वो अंडर प्रोसेस अटक जाता है, कभी कभी ये भी होता है कि आप ECMP से डालिए वो अंडर प्रोसेस है, SSUP से डालिए वो पास पहले निकल जाता है। कई बार कस्टमर के पास में रिजेक्ट का मैसेज आता है और जब डाउनलोड करते हैं तो सही से डाउनलोड हो जाता है। हाँ बिल्कुल, वो देखिए हमने क्या बोला कि हमारा जो SEDA सिस्टम है, SEDA सिस्टम पे हमने अपडेट कर दिया, जो पोर्टल है या रेसिडेंट को जो मैसेज जा रहा वहाँ अपडेट नहीं हुआ, लेकिन जो उसका XML फाइल है वो जनरेट हो गया, उस केस में उसका आधार अपडेट हो चुका है, वो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जो पोर्टल जो आप बात कर रहे हो अंडर प्रोसेस है वो वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। सर एक चीज, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ECMP में पैकेट को चेक किया जा सकता है, जबकि UCL में हम चाहते हैं कि लास्ट में सबमिट करने से पहले एक बार हम पूरा व्यू करके देख लें कि हमने डाटा सही से अपडेट सही से डाटा डाला नहीं, सबमिट से पहले एक व्यू का ऑप्शन हो रिव्यू का, तो उसमें सारी चीजें एक साथ दिख जाए, उसके बाद सबमिट हो। वैलिड पॉइंट, टीम प्लीज एक्सपर्ट को भी लिख लीजिए कि UCL में जैसे ECMP में दिखता है वैसे UCL में भी ऑप्शन होना चाहिए समराइज सबमिट करने से पहले, कि एक बार ऑपरेटर जो है चेक कर सके कि इस इंफॉर्मेशन को डाला वो सही है या नहीं। वैलिड पॉइंट है, टीम इस पर नोट कर लीजिए, थैंक यू। एक सर लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन नहीं होता यदि किसी UCL में, यदि हमें किसी महाराष्ट्र वाले का डाटा अपडेट करना है, एड्रेस अपडेट करना है, उसके बाद में वैलिड डॉक्यूमेंट भी है, लेकिन हम उसे हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और महाराष्ट्रीयन हमको आती नहीं है, कन्नड़ हमको आती नहीं है, केवल हम इंग्लिश में उसका डाटा अपडेट कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में उसमें लोकल लैंग्वेज में क्या आ रहा है हम नहीं जानते। लोकल लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन भी होना चाहिए ताकि हम हिंदी में उसका एड्रेस अपडेट कर सकें जो उसके वैलिड डॉक्यूमेंट में है। ठीक है, आपका क्वेश्चन का आंसर देंगे तिवारी जी, एक बार जाकर उनको आंसर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, आप जाकर उनको इन पर्सन आंसर दीजिए। UCL क्लाइंट जो होता है ऑनलाइन चलता है और जो ECMP क्लाइंट होता है वो ऑफलाइन होता है, हम डेटा जो अपलोड करते हैं वो ऑनलाइन करते हैं, बट जो इनरोलमेंट न्यू या अपडेट करते हैं ऑफलाइन करते हैं ECMP क्लाइंट से, तो जो हमारा पहले आधार बन चुका है जिस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज को रेसिडेंट जब अपना थंब लगाता है तो डेटा फेच करके सिस्टम पर दिखाता है और उसी डेटा पे हम जो है अपना अपडेट करते हैं, तो हमारा ओल्ड डेटा ऑलरेडी जब सिस्टम में रखा हुआ है और हमारा ऑथेंटिकेशन करके वो भेज रहा है तो उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको चेंज करने के लिए क्लाइंट के थ्रू अपलोड करेंगे तब जाके चेंज होगा, क्योंकि आपका उसमें बायोमेट्रिक लिया जाएगा। UCL ऑनलाइन क्लाइंट चलता है। एक मिनट, UCL से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तिवारी जी, एक बार जाकर उनको इन पर्सन बताइए, दूसरा क्वेश्चन पूछे कोई। एक मिनट, वन एट ए टाइम। उसके 5 मेंबर थे तभी डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है। एक मिनट साइलेंस प्लीज। मैंने उस फैमिली के 4 डॉक्यूमेंट अपडेट्स कर दिए, जो उनकी मदर है उनका, जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए फिंगर लगाता हूँ आधार नंबर डाल के, तो सिस्टम हैंग हो जाता है, वो कम से कम 5 बार ट्राई कर चुका हूँ मैं एक महीने के अंदर, 5 बार सेम प्रोसेस हुआ है। उस पर्टिकुलर उस रेसिडेंट के साथ ही हो रहा है? हाँ, उसी के साथ हो रहा है। बायोमेट्रिक लेने का टाइम होता है? जैसे बायोमेट्रिक लिया
आधार किया। वो इसीलिए हो रहा होगा कि लास्ट टाइम जो उनका आधार बना होगा या अपडेट हुआ होगा, बायोमेट्रिक का स्कोर सही नहीं होगा, और वो दोबारा जब आप अपडेट कर रहे हो तो बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा, इसलिए सिस्टम आपको अलाउ नहीं करता। उस रेसिडेंट का आप अलग से स्पेशल रिक्वेस्ट रेज कीजिए आर ओ को, आर ओ वहाँ पर बुला के उनको अपडेट करेंगे, आपसे नहीं होगा फिर। सर जैसे नेम की, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर की लिमिट है, तो बायोमेट्रिक की लिमिट तो नहीं है? बायोमेट्रिक अपडेट करने की नहीं, yes. कोई लिमिट नहीं, हाँ, जितनी बार चाहे करवा सकते। थैंक यू, चलिए क्लोज कर सकते हैं। बाकी सब आशीष, बाकी सवाल आप लोग अपने अपने लिख के दे दीजिए, हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, हमारे ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, दे विल कलेक्ट। आप एक काम कीजिए, देखिए सबका क्वेश्चन तो मैं नहीं ले सकता हूँ, जो मोटा मोटी क्वेश्चन था और जो एरर था वो मैंने आपको समझा दिया। मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया कि डेटा प्रोसेस एरर में क्यों रिजेक्ट होता है, मैंने अभी बताया आपको कि डेटा प्रोसेस और जो टेक्निकल एरर्स है ये इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट डिटेल्स है वो अगर मैं आपको समझाऊं या रेसिडेंट को समझाऊं तो नहीं समझ में आएगा। आप एक काम कीजिए, आपके जो क्वेश्चन हैं आप कंसोलिडेट करके सी एस सी टीम लीडर्स को, मेम्बर्स को दीजिए, वो एक बार उस उनके थ्रू हमारे पास आएगा, हम उसको एड्रेस करके आपके पास वापस भिजवा देंगे, ठीक है? और एक चीज, वन लास्ट थिंग, प्लीज मेंटेन साइलेंस, सब लोग प्लीज शांति बनाओ, सबके सवाल नहीं हो सकते हैं, बहुत कम समय उतना नहीं है, पर्पस वो नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ बताया है, बाकी आप दे दो लास्ट चीज, आप सॉरी सर एक मिनट, लास्ट चीज आप लोग एक बार ध्यान रखिए, न्यू इनरोलमेंट प्लीज, बैठ जाइए आप लोग ऊपर सारे प्लीज। न्यू इनरोलमेंट जो मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से लास्ट में बोल रहा हूँ, न्यू इनरोलमेंट पे आप कोई लीनियंसी, कोई लिवरेज नहीं देंगे फॉर द एज ग्रुप ग्रेटर देन 18 इयर्स। एक भी डॉक्यूमेंट में ओवरराइटिंग है, सस्पिशियस लग रहा है या कोई भी इशू आपके लेवल पे दिख रहा है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरे पास नहीं भेजेंगे आप उसको पैकेट को। हमारे पास स्ट्रिक्ट ऑर्डर है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन द न्यू इनरोलमेंट, आप इस चीज को सीरियसली लीजिएगा। न्यू इनरोलमेंट में अगर क्यूसी में पास होता है क्यूसी विल बी पेनलाइज्ड, और इनरोलमेंट ऑपरेटर अगर हमें भेज रहा है वो भी पेनलाइज होंगे और ज्यादा होंगे, क्योंकि अब जितने आधार बन गए हैं मैक्सिमम लोग आइडेंटिटी चेंज करवा रहे हैं, और आइडेंटिटी चेंज करने के लिए जो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मैक्सिमम लोग यूज कर रहे हैं, आप स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट नहीं लोगे फॉर द नेम चेंज, गैजेट नोटिफिकेशन हो ना हो डजेंट मैटर, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट इज नॉट एप्लीकेबल। ये दो पॉइंट आप ध्यान रखेंगे आगे से जब भी इनरोलमेंट या अपडेट कीजिएगा, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर ओल्ड POI और न्यू इनरोलमेंट में हर एक टैब्स में मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए और वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए, क्लियर है? यस नो, ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सर, सभी लोग 5 मिनट बैठ जाएं, बात ना करें आपस में, हम सेशन के अंत में पहुंच गए हैं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सबके लिए, प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा, ये 3 बस नंबर्स हैं, आप नोट कीजिए, जिनको भी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है वो इन 3 बसेस को बोर्ड करेंगे, आप नोट कर लीजिए, मैं रिपीट करता हूं, यूपी 22AT0207, रिपीट करता हूं, यूपी 22AT0207, एक और नंबर है वो नोट कीजिए, यूपी 22AT0405, एक बार दोबारा बोलता हूं, यूपी 22AT0405, एंड लास्ट यूपी 22AT4711, यूपी 22AT4711, ये 3 बस नंबर्स हैं, गेट नंबर 3 के बाहर ये बसेस रहेंगी, सेशन के अंत में आप लोग ये 3 बसेस बोर्ड कर सकते हैं जिनको भी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है।
हम सेशन के अंत में पहुंच गए हैं और आपकी उत्सुकता और आपके सवालों को देखकर खुशी भी होती है, लेकिन बहुत सारे ये पॉसिबल नहीं है कि सबका सवाल हमने लिया जाए, इसलिए हमने लिखित तौर पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है नई दिल्ली के लिए। सो खुशी होती है आपके सवालों को देखकर और आज अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग आए। सो अंत में मैं हमारे एमडी सीईओ साहब श्री संजय कुमार राकेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा फॉर वोट ऑफ थैंक्स, एक बार तालियों के साथ उसी एनर्जी को वापस लेके आएंगे जो सुबह थी हमारे लिए। थैंक यू दीक्षांत। आज सब आप लोग दिन भर रहे हो, दिन भर का सेशन, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सेशन रहा, आपकी एनर्जी देख के बड़ी खुशी हुई। एक बार आप लोग अपने लिए ताली कर लो। आज जो पर्पस था मेरे ख्याल से काफी हद तक सर्व हो गया। यूआईडी की टीम जो यहाँ आई है और जिस तरह से उन्होंने सब एक्सप्लेन किया है उसके लिए हमारी तरफ से वो विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं, उनके लिए भी हम स्वागत करते हैं। और आपने सुना, पर्पस यही था कि आप रोज गांव में लोगों के आधार अपडेट करने के काम से जूझते हो, उनके बहुत सारे सवाल आते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं करते हो, कुछ कहते हो कि ये नहीं हो सकता है, तो वो आपसे सवाल करते हैं, आप किससे सवाल करोगे? तो हमने इसीलिए सोचा था कि यूआईडीआई यहाँ जो है वो इसकी पूरी अथॉरिटी है, और आप ये समझते हैं कि 134 करोड़ लोगों के इतने सारे डेटा वो रखते हैं, उसके आधार पे वेरीफाई करते हैं और फिर बताते हैं कि सही है कि गलत, और उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। एक गलती और उनके सिर पे लोग डंडा बजाना शुरू करते हैं कि ये गलती कैसे हो। इसलिए उनको ये सिस्टम बनाना है, उनको जहां भी डर लगता है, जहां भी शक होता है कि हाँ ये गड़बड़ हो सकता है, वहां वो सेफ खेलते हैं, ना कर देते हैं। आज आपके सवाल हम देख रहे थे, सबके जो बीच में मर्मरिंग और सबके रिएक्शन थे वो देख रहे थे, सबका एक ही था कि आपके जो सवाल हैं, जो लोग सवाल आपसे करते हैं जब आप कह देते हो कि ये नहीं हो सकता, वो आप चाहते हो कि इनसे बताएं, बट वो ये भी बता रहे थे कि क्यों करें। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस लिखा हुआ है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में, और कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे ये वेरीफाई हो कि हाँ वो ज्ञान माध्यमिक विद्यालय है, तो वो सच में वहां ज्ञान माध्यमिक विद्यालय है या नहीं है, तो वैसे को कैसे करें। अभी उन्होंने सर्टिफिकेशन का एक नया सिस्टम शुरू करने की बात थी, आई कि नहीं, कि अब जो सर्टिफाई करेगा, जो वेरीफाई करेगा, वो भी अपना आधार देगा, ताकि वो पहले वो वेरीफाई कर लें कि वो आदमी सच में है कि नहीं या सही नाम से। तो वो भी अब 7-8 करोड़ तो रोज अटेम्प्ट होते हैं उनके पास, तो इसलिए उनको भी समझिए। और इसके अराउंड जो सेंसिटिविटी है वो आदमी का प्रूफ है कि वो इंडिया में है, इसलिए उसने कहा कि अब जब सब आधार हो गए हैं बड़े लोगों के, तो अब नए आधार कहाँ से आ रहे हैं, या तो वो कहीं से आया हुआ इलीगल माइग्रेंट है या कुछ और कारण से हो गया, नाम बदल रहा है, तो इनके जो कंसर्न है वो समझिए। और चूंकि आप आधार यूआईडीआई के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप गांव में रहते हो, गांव वालों के रिप्रेजेंटेटिव हो, सही बात है, उसके लिए आप आधार से सवाल कर रहे हो, बट गांव में आप आधार के रिप्रेजेंटेटिव हो, उनको बताना आपका हम ये बिगिनिंग है, हम यहाँ आपसे शुरू किए हैं, हमने अब प्लान किया है कि राज्य स्तर पे भी ये करेंगे, आरओ से आपका इंटरेक्शन बढ़ाएं, जैसे उन्होंने कहा कि कुछ कुछ सवाल हैं जो आप हमारे लोगों से पूछोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सीएससी का जो स्पॉक है उससे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उसको नहीं पता, आरओ में आप सवाल करवा लो, आरओ बताएगा। तो जी आरओ से संपर्क, हाँ हम वही कह रहे हैं कि अब ये एक नेशनल वर्कशॉप करवाया, इसके बाद हम स्टेट लेवल पे कोशिश कर रहे हैं और फिर आगे करके डिस्ट्रिक्ट और जोनल लेवल पे भी करवाएंगे, चाहे